गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद चैप्टर 9, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। एंड इसमें आज हम पढ़ेंगे टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, के आज़ादी की ओर और जो आज़ादी के साथ ही जो पार्टीशन हुई हिंदुस्तान की दो हिस्सों में। तो मीनवाइल इन 1940 द मुस्लिम लीग हैड मूव्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री। तो 1940 में मुस्लिम लीग ने अपनी मांग रखी अंग्रेजों के आगे कि उनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स चाहिए, उनको आजादाना जो राज्य हैं वो चाहिए, सिर्फ जो मुस्लिम्स के लिए हों। तो नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न एरियाज जो हैं, जो कि जैसे वेस्ट बंगाल का और पंजाब का इसमें पार्ट है, वो हिस्सा उनको अलग से चाहिए था। द रेजोल्यूशन डिड नॉट मैंशन पार्टीशन और पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने पार्टीशन की डिमांड नहीं रखी थी कि देश को ही दो हिस्सों में बांट दो, सिर्फ उन्होंने आज़ादी चाहिए कि इन स्टेट्स में उनको आज़ादी चाहिए। वाई डिड द लीग आस्क फॉर एन ऑटोनमस अरेंजमेंट इन द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, लेकिन उन्होंने अलग स्वतंत्र जो अरेंजमेंट था मुसलमानों ने उसमें वो क्यों मांगा। From the late 1930s, the League began viewing the Muslims as a separate nation from the Hindus. तो 1930 से ही मुसलमान जो थे वो अपने आप को हिंदुओं से अलग एक राष्ट्र की तरह वो अपने आप को देखने लगे थे। In developing this notion, it may have been influenced by the history of tension between some Hindus and Muslim groups in the 1920s and 1930s. तो ये धारणा जो थी, नोशन मतलब जो धारणा थी कि अलग राष्ट्र चाहिए, अलग उनको आजादाना स्टेट्स चाहिए, तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में 1920 और 1930 के बीच में एक गहरी खाई पड़ गई थी। मतलब कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की कोशिश की और उसी का ही ये असर था। More importantly, the provincial elections of 1937 seem to have convinced the League that Muslims were a minority. कि जो इलेक्शन हुई 1930 में, तो उसके जो रिजल्ट्स आए उसमें मुस्लिम लीग को लगा कि वो मिनोरिटी में है, कम गिनती में है, उनको किसी तरह से उनको लगा कि हम जैसे सारे एक जैसे हैं तो उनसे कुछ हमारी गिनती कम है, तो शायद इसीलिए हमें जो है इलेक्शन में नुकसान हुआ है। And they would always have to play second fiddle in any democratic structure. तो फिडल होता है हेराफेरी, तो उनको लगा कि जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर रहेगा, जो भी लोकतंत्रीय राज्य है, तो उसमें भी उनको यही उनके साथ व्यवहार होगा और उनको सेकेंड फिडल के रूप में ही माना जाएगा कि उनके साथ हेराफेरी होती ही रहेगी। It feared that Muslims may even go unrepresented. तो उनको लगा कि उनको अपना प्रतिनिधित्व करने की आज़ादी नहीं मिलेगी, वो नहीं कर पाएंगे अपनी प्रतिनिधित्ता या अपनी कम्युनिटी को एक लीड नहीं कर पाएंगे। The Congress rejection of the League's desire to form a joint Congress League government in the United Provinces in 1937 also annoyed the League. कांग्रेस ने लीग की जो इच्छा थी कि जॉइंट कांग्रेस लीग जो गवर्नमेंट है वो यूनाइटेड प्रोविंसेस में बने, उसको नहीं माना और वो मुस्लिम लीग से नाराज भी थे। द कांग्रेस फेलियर टू मोबिलाइज द मुस्लिम मैसेज इन द 1930s अलाउड द लीग टू वाइडन इट्स सोशल सपोर्ट। तो कांग्रेस फेल रही इसमें कि वो मुसलमानों को इकट्ठा नहीं कर पाए, अपने साथ विश्वास में नहीं ले पाए। तो 1930 में क्या हुआ कि लीग जो थी उसको सोशल सपोर्ट जो थी काफी ज्यादा मिलने लगी थी सामाजिक तौर पर। इट्स सॉट टू एनलार्ज इट्स सपोर्ट इन द अर्ली 1940s व्हेन मोस्ट कांग्रेस लीडर्स वर इन जेल। तो यही सपोर्ट इन्होंने और ज्यादा लोगों से हासिल करने की कोशिश की जब कांग्रेस लीडर्स बहुत सारे जो थे वो जेल में डाल दिए गए थे, जो कि मूवमेंट्स चल रहे थे उनकी वजह से। एट द एंड ऑफ द वॉर इन 1945, जब दूसरा विश्व युद्ध जो है खत्म हुआ 1945 में, द ब्रिटिश ओपन नेगोशिएशंस बिटवीन द कांग्रेस। तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने समझौते करने शुरू किए कांग्रेस के साथ, द लीग एंड देमसेल्व्स फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, और लीग के साथ भी, मुस्लिम लीग के साथ भी,
भारत की आजादी के लिए, कि आजाद भारत के लिए जो थे कि क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, तो किन हालात में वो भारत को जैसे आजाद करेंगे, उसके बारे में बातचीत हो रही थी। द टॉक्स फेल्ड बिकॉज द लीग सॉ इटसेल्फ एज द सोल स्पोक्स पर्सन ऑफ इंडियाज मुस्लिम्स। तो जो बातचीत चल रही थी वो भी सफल नहीं रही, क्योंकि मुसलमान जो थे वो अपना ही ज्यादा उसमें रोल प्ले कर रहे थे, अपने हकों के लिए ज्यादा वो मांग रहे थे। द कांग्रेस कुड नॉट एक्सेप्ट दिस क्लेम सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स स्टिल सपोर्टेड इट। तो तब मतलब मुसलमानों ने एक वक्रे अलग राष्ट्र जो है उसकी डिमांड करनी उन्होंने शुरू कर दी, लेकिन कांग्रेस ने इसको सपोर्ट नहीं किया। इलेक्शंस टू द प्रोविंसेस वर अगेन हेल्ड इन 1946। जो प्रोविंसेस थी, रियासतें थी, उनमें दोबारा से 1946 में इलेक्शंस हुए। द कांग्रेस डिड वेल इन द जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बट द लीग सक्सेस इन द सीट्स रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स वाज स्पेक्टेकुलर। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जो एक हल्का रहता है, एक एरिया जिसमें इलेक्शन होती है, कुछ पार्ट्स इसमें होते हैं कंट्री के, तो कांग्रेस को तो सफलता मिली, लेकिन जो मुसलमान हैं उनको बहुत ज्यादा शानदार सफलता जो थी इसमें रिजर्व सीट में मिली। इट परसिस्टेड विद इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। तो इससे पाकिस्तान की डिमांड को और बढ़ावा मिला। इन मार्च 1946 द ब्रिटिश कैबिनेट सेंट अ 3-मेंबर मिशन टू दिल्ली टू एग्जामिन दिस डिमांड। तो ब्रिटिश कैबिनेट जो है उन्होंने 3 मेंबर भेजे दिल्ली में कि जो मुसलमानों की मांग है उसके ऊपर विचार करने के लिए, एंड टू सजेस्ट अ सुटेबल पोलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर अ फ्री इंडिया। और फ्री इंडिया जो है आजाद भारत को आजाद करने की तो उन्होंने अब सोच ही ली थी, तो पोलिटिकल फ्रेमवर्क क्या होगा इसके लिए भी बातचीत करने के लिए 3 मेंबरी जो पार्टी थी वो इंडिया में आई। This mission suggested that India should remain united and constitute itself as a loose confederation with some autonomy for Muslim majority areas. तो मिशन ने क्या सुजेस्ट किया कि इंडिया को यूनाइटेड ही रहना चाहिए, वो एक ही रहे, लेकिन इसमें एक कन्फेडरेशन हो कि छोटे छोटे राज्यों का संघ हो जिसमें मुसलमानों को अलग उनके एरियाज में ऑटोनॉमी मिले, कि उनको स्वतंत्रता मिले कुछ हिस्सों में, कि जहां वो डिमांड कर रहे थे। तो एक राष्ट्र के रहते ही छोटे छोटे हिस्सों में इसको बांट दिया जाए, जहां के सब किसी को अपना अपना जो है सपोर्ट उनको जो चाहिए उनको मिलती रहे। बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग टू एग्री टू स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल। लेकिन इस पे कोई ज्यादा सहमति नहीं बन पाई, ना ही मुस्लिम लीग के द्वारा ना ही कांग्रेस के द्वारा, कि प्रपोजल उनको कोई खास नहीं लगा। पार्टीशन नो बिकेम मोर और लेस इन एविटेबल। जो पार्टीशन थी मतलब दो हिस्सों में बांट थी वो लगभग अटल थी, इन एविटेबल थी, मतलब अटल थी कि लगभग ये होना ही था। आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन, जब कैबिनेट मिशन फेल रहा, अपने मिशन में वो कामयाब नहीं हो पाया कि जैसे एक राष्ट्र में ही अलग अलग प्रतिनिधित्व मिले सारे गुटों को, तो लेकिन राष्ट्र एक ही रहे, तो सफलता नहीं मिली इसमें। द मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन मास एजिटेशन फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड। तो मुसलमान मुस्लिम लीग जो थी अलग पार्टी बनी थी मुसलमानों की, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो मास एजिटेशन करेंगे, कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं उनके साथ वो धरने प्रदर्शन करेंगे ताकि पाकिस्तान की अलग कंट्री की डिमांड जो है उसको पूरा करवाया जा सके। इट अनाउंस्ड 16 अगस्त 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे। तो 16 अगस्त 1946 को इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे कि कुछ नहीं किया गया तो हम एक्शन लेंगे, वो घोषित किया। ऑन दिस डे रॉयट्स ब्रोक आउट इन कलकत्ता। 1946 में 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन उन्होंने लिया, और इसमें उस दिन क्या किया गया कि दंगा फसाद जो था कलकत्ता में शुरू हो गया, लास्टिंग सेवरल डेज एंड रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो बहुत दिनों तक दंगा फसाद, जो कम्युनल राइट्स थे, फिरकू दंगे थे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में, वो होते रहे और हजारों लोगों की मृत्यु हो गई इसके चलते। बाई मार्च 1947 वायलेंस स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो मार्च 1947 तक जो उत्तरी भारत था वहां भी हिंसा बहुत ज्यादा फैल गई। मैनी 100,000 पीपल वर किल्ड एंड न्यूमरस वेमन हैड टू फेस अनटोल्ड ब्रुटेलिटीज ड्यूरिंग द पार्टीशन। तो फिर मतलब ये पक्का हो गया था कि अब जो है डिवीजन होके ही रहनी है, तो इस सब के चलते बहुत सारे लोगों की हत्याएं हुई, एक दूसरे को मारा गया,
और औरतों के ऊपर भी बहुत ज्यादा अत्याचार हुए. मिलियंस ऑफ पीपल वर फोर्स टू फ्ली देयर होम्स. बहुत सारे लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा. टॉर्न असंडर फ्रॉम देयर होमलैंड्स दे वर रिड्यूस्ड टू बीइंग रिफ्यूजीज इन एलियन लैंड्स. टॉर्न असंडर मतलब अलग थलग हो गए. बहुत सारे लोग जो थे वो अपने होमलैंड से अलग पड़ गए. उनको वो छोड़ के जाना पड़ा और वो रिफ्यूजियों की तरह, शरणार्थियों की तरह एलियन लैंड्स में, दूसरी लैंड में जो उनकी नहीं थी, तो उसमें शरणार्थी बन के एक जैसे किसी दूसरी दुनिया से आए हों, इस तरह से उनको रहना पड़ा. क्योंकि बहुत सारे जो मुसलमान थे उनको इंडिया छोड़ के जो पश्चिमी बंगाल और जो तब इकट्ठा ही था ईस्ट और वेस्ट बंगाल, तो वहाँ से जो मुस्लिम मेजोरिटी थी उनको बंगाल को छोड़ के दूसरे एरियाज में जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है वहाँ जाना पड़ा. और पंजाब से भी बहुत सारे मुसलमान जो है उनका पलायन हुआ, वो भी पाकिस्तान गए. और पाकिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ से बहुत सारे हिंदू और सिख जो थे वो इंडिया में आए. तो दोनों ही एक दूसरे लैंड में वो एलियंस की तरह थे. पार्टीशन ऑल्सो मेंट दैट इंडिया चेंज, मैनी ऑफ इट्स सिटीज चेंज एंड अ न्यू कंट्री पाकिस्तान वॉज बॉर्न. तो डिवीज़न अंग्रेज़ों की जो चाल थी वो उसमें कामयाब रहे थे. मतलब उन्होंने इंडिया को आज़ाद तो कर दिया लेकिन इसके टुकड़े कर दिए, इसको दो हिस्सों में बांट दिया. तो पाकिस्तान बनने का मतलब क्या, पार्टीशन का मतलब क्या था कि इंडिया चेंज हो गया, बहुत सारे शहरों का रूप बदल गया, एक नया कंट्री जो पाकिस्तान है उसने जन्म लिया. सो द जॉय ऑफ आर कंट्रीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल केम मिक्स्ड विद द पेन एंड वायलेंस ऑफ पार्टीशन. तो एक तरफ से अंग्रेजों से आज़ाद होने की खुशी थी लेकिन साथ में ही दूसरी तरफ ये बहुत ही दर्द भरा था कि जैसे एक शरीर से बॉडी पार्ट को ये अलग कर दिया जाए. तो इस तरह से जो हुआ था तो ये बहुत ही असहनीय था.